एक यूपी में एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हमेशा से रहा है कि, और खास करके योगी जी के आने के बाद, कि बुलडोजर वाला शासन शुरू हो गया। आप इस राजनीति को किस तरीके से देखते हैं कि बुलडोजर चला दो, घर गिरा दो? नहीं, देखिए, तो बुलडोजर वाला शासन कोई जो भी कहे, लेकिन सच्चाई है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जो कानून और व्यवस्था है वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हुई है। और जी मैं कहूँ कि ऐसी कानून व्यवस्था शायद उत्तर प्रदेश में इतनी चुस्त दुरुस्त कभी नहीं थी। मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूँ तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे शासन से, हम लोग हमारे शासनकाल से भी बेहतर योगी जी ने कानून और व्यवस्था की स्थिति को चुस्त दुरुस्त करने में कामयाबी हासिल की है। उसके लिए योगी जी बधाई के पात्र हैं। तो बुलडोजर का जो कल्चर आया है राजनीति में, देखिए कहीं ना कहीं, देखिए कानून और व्यवस्था की स्थिति को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। और यदि कोई सरकार कोई कठोर कदम उठाती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब उसमें छिद्रान्वेषण यदि आप करना प्रारंभ करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं। कोई यह भी कह सकता है, नहीं, उपदेश देकर लोगों को सुधारा जा सकता है। तो अभी आप जानते हैं इसके आधार, इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं होगी। अब ये सतयुग की कल्पना यदि करते हो तो उससे कोई सुधार नहीं होने वाला। करेक्ट है, बुलडोजर का कल्चर लाना, मैंने कुछ कठोर कदम कुछ उठाने पड़ते हैं। आप कोई बड़ी बिल्डिंग है, कहीं अवैध किसी का निर्माण हुआ है तो हाथ से तो गिराया नहीं जाएगा। तो इंस्टेंस जस्टिस वाली बात होती है कि तुरंत में इन्होंने कुछ किया और तुरंत बुलडोजर पहुंच गया, ये देखा गया खास कर। दूसरी चीज, मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ गलत किया होता तो कोर्ट ने तो उसका संज्ञान लिया ही होता। लोग कोर्ट गए भी लेकिन कोर्ट ने कोई उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ ना तो कोई एडवर्स कमेंट किया है और ना कोई निर्देश दिया है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो भी एक्शन इस समय लाइन ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं वो जस्टिफाइड है।